खमर साहब क्या है, खमर साहब स्ट्रांग थे, खमर साहब स्ट्रांग रहने के बाद भी उनको मिनिस्टर नहीं दिए, उनको दबाते आए, उसके बाद उन्होंने इंतकाल हुए, उसके बाद दूसरे लीडरों को उठाए तो बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, अपना दुकान बंद हो जाता, गुलबर्गा में अपना वैल्यू कम हो जाता बोलकर जो है ना, आप बेचारे मोहतरमा मैडम को देखे जिता के घर में बिठाए। फॉल्स सर्टिफिकेट है, जंगम वाले को सर्टिफिकेट नहीं देना बोलकर कमिश्नर एंड कंसर्न ऑफिसर नॉट टू इश्यू बेटा जंगमा सर्टिफिकेट इन बेटा जो प्रियंक खरगे है उन्होंने बोलते हैं कि मैं बसवा तत्व फॉलो करता हूँ, इन्हों नास्तिक है, इनको जो है ना कौन से भी धर्म जात नहीं होना, कौन सा भी मजहब नहीं होना, सबके खिलाफ है। ना कमरुल साहब को हराने का कारण और उनको मिनिस्टर नहीं देने वजह से जो है ना उन्होंने नरम होके इंतकाल हुए। शायन प्रकाश पाटिल उनका दामाद है जी, ये जो मल्लिकार्जुन साहब है, मल्लिकार्जुन खरगे और प्रियंक खरगे के बारे में आज मैं मतलब सब मीडिया वाले के सामने आज एक गुजारिश रखा, जो हमारे समाज में बेड़ जंगम समाज बोलकर एक है, हमारे गुरु लोग बोलते हैं उनको, उनके बारे में है। मल्लिकार्जुन खरगे साहब क्या करे है, 1995 में होम मिनिस्टर को एक लेटर लिखते, क्या बोलकर लिखते कि ये फॉल्स सर्टिफिकेट है, जंगम वाले को सर्टिफिकेट नहीं देना बोलकर लिखते इनके ऑर्डर में। Therefore, I request you to kindly issue fresh direction to the Deputy Commissioner and Concerned Officer not to issue Beda Jangama Certificate in the state. यानि Beda Jangama समाज को SC caste certificate मत दे बोलकर बोले सो रहा था, और उसका बेटा जो प्रियंक खरगे है उन्होंने बोलते हैं कि मैं बसवा तत्व फॉलो करता हूँ, बुद्धा तत्व फॉलो करता हूँ, बाबा साहेब अम्बेडकर के तत्व फॉलो करता हूँ बोलकर बोलते फिरता। तो मैं उसको कहना चाहता हूँ, उनको कहना चाहता हूँ, मैं कौन से तत्व फॉलो कर रहे साहब आप, या तुम्हारे पिताजी जो है ना ऐसा लेटर लिख रहे बसवा तत्व के अपोजिट में, और एक भाषण दिए से उसके भाषण का भी आपको सुनाता हूँ, क्या बोलकर सुनाए थे, अगर मोदी को ऐसे ही अपन जिताते आए तो आगे सनातन धर्म बनता बोलकर बोलते। और ऐसे मोदी जी को अगर और शक्ति मिलेगी देश में तो समझो फिर इस देश में सनातन धर्म आता बोलकर बोलते हैं। यानी इसका मतलब क्या है, हमारे जो बुद्ध गौतम बुद्ध साहब थे उन्होंने कह के गए ईसो धामो सनातनो, तो उन्होंने सनातन को फॉलो करने वाले बुद्ध धर्म तुम कहाँ फॉलो कर रहे साहब, पीके साहब सनातन धर्म को कहाँ फॉलो कर रहे, बुद्ध तत्व को कहाँ फॉलो कर रहे आप, बुद्ध बुद्ध गौतम बुद्ध के विरोध है और आप बसवा तत्व के विरुद्ध है, और आप बाबा साहेब अम्बेडकर के वचनों के ऊपर विरुद्ध है, आप हर एक चीज़ के लिए विरुद्ध है, जिनको जो हक है वो मांगने का वो लोग मन करे उनको तुम्हारे को क्या है कि नको देव बोलने को क्या ज़रूरत है, आप ऐसा लेटर लिख के दे रहे उनको SC सर्टिफिकेट नको देव बोल रहे, और आप बोल रहे सनातन धर्म हो जाता बोल रहे, और जो है ना हमारे लास्ट टाइम भी बोला ना कमरुल साहब को हराने का कारण और उनको मिनिस्टर नहीं देने वजह से जो है ना उन्होंने नरम होके इंतकाल हुए, ऐसे बहुत सारे हैं तुम्हारे जो नहीं चाहते तुम समाजों को, खाली तुम अकेले तुम्हारा घर एक ही आगे बढ़ना, खुद के समाज के लिए भी नहीं सोचते तुम, तुम्हारा खाली घर आगे बढ़ने के लिए तुम नए सो ट्रस्टा खोल के नए सो दुकाना चला रहे, वोट बैंक के लिए खाली भाषण दे रहे, बसवा तत्व बुद्ध तत्व बाबा साहेब अम्बेडकर का तत्व कहाँ भी नहीं चल रहे तुम।
खाली तुम फेंक रहे, लोगों को समझ में आ गया, इसलिए जो है ना आज सभी मेरे चितापुर सभी भाइयों को बोलना चाहता हूँ, इन्हों नास्तिक है, इनको जो है ना कौन से भी धर्म जात नहीं होना, कौन सा भी मज़हब नहीं होना, सबके खिलाफ है, तो सोच समझकर इनको आगे का स्टेप ले हो, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 10 बार सोचो, इन्हों कुछ कुछ की खाली लोगों को जो पाल रहे वो लोग तुम्हारे को आके वोट डाल बोल कर फोर्स कर रहे, कैसा पाला, तो एक एक का रोडों को कामा देखे, एक एक को बिल्डिंगों का कामा देखे, एक एक को रेती मारने का कामा देखे पाल के रखे सो इन्हों, तो वो जो पाले हुए उनके जो पालतू लोग रहते वो लोग तुम्हारे को वोट करो बोलकर घर घर घूम के आके बोल रहे। उन्होंने बैठ रहा बेंगलुरु में यहाँ पर काम कर रहे उनके पालतू, तो सब समझ के आगे का स्टेप लो, इन्होंने पूरा अपना भारत अपने जो चितापुर कॉन्स्टिट्यूंसी को ही उसका पालतू बनाना चाह रहा, तो ये जो भी स्टेप ले रहे अपन आगे के इलेक्शन में सोच समझ कर वोट डालो। श्यान प्रकाश पाटिल उनका दामाद है जी। खमर साहब क्या है, खमर साहब स्ट्रांग थे, खमर साहब स्ट्रांग रहने के बाद भी उनको मिनिस्टर नहीं दिए, उनको दबाते आए, उसके बाद उन्होंने इंतकाल हुए, उसके बाद दूसरे लीडरों को उठाए तो बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, अपना दुकान बंद हो जाता, गुलबर्गा में अपना वैल्यू कम हो जाता बोलकर जो है ना आप बेचारे मोहतरमा मैडम को देखे जिता के घर में बिठाए।